मारा पिता कौन आपको ये सब बोल दिया? आप जाइए मोहल्ला में जहाँ पे ऑर्डर रही है वहाँ के अगल बगल के लोगों से आप पूछिए कि क्या मारपीट हुआ या क्या हुआ। तो हम ससुराल में गए थे फर्स्ट टाइम, तो मेरे भैंसुर जो सूरज है एटीएस में सिपाही है, वो हम जैसे ही ससुराल में गए तो मेरे पति वहाँ पर थे, वो बोले कि ठीक है तुम चुपचाप रहना अगर कोई कुछ बोलेगा। तो नॉर्मली बिहेवियर किए, हमसे मारपीट वगैरह उस टाइम नहीं किए। जैसे ही हम वहाँ पे मतलब वहाँ पे बैठे हुए थे लगातार सुबह 7 बजे से ऐसे ही बैठे हुए थे चौकी पे, तो फिर मेरे भैंसुर आते 2 बजे, आने के बाद मुझे देखने के बाद उनका अंदर एक अलग सा क्रोध रहता है, एकदम लगातार मुझे टॉर्चर करते हैं लगातार कि आप एटीएस सिपाही है, वो एटीएस में सिपाही है, उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम ये नहीं जानते, अभी भी वही प्लानिंग कर रहे हैं पूरा, जितना प्लानिंग खेल वही कर रहे हैं। हाँ सारा ये इतना मेरे साथ हुआ ना, जो दूसरा शादी मेरा हस्बैंड किया, मेरे पति मुझे छोड़कर आज हम ससुराल में अकेले हैं, मेरी सास को भी हमसे दूर करवा दिया। क्या नाम है आपके भैंसुर का? सूरज नाम है, सूरज कुमार, एटीएस में सिपाही है। कहाँ पे अभी है? इको पार्क है ना, वहीं बगल में एटीएस पटना, इको पार्क पटना एटीएस, वहीं पे बगल में एटीएस ऑफिस है। अच्छा वहीं पे है वो? हाँ वहीं पर ऑफिस में, मतलब पटना में रह रहा है वो? वो पटना ही में रहता है, गृह जिला में पदस्थापित है, गृह जिला में है। हाँ 10 साल से जॉब कर रहे हैं वो, पटना में पोस्ट है, इको पार्क के बगल में एटीएस ऑफिस में पोस्टेड है, और सारा खेल वही रच रहा है, सारा प्लानिंग उन्हीं का है, इतना जो दूसरा शादी करवा। सूरज नाम है उसका? सूरज नाम है। अच्छा। उनका फोटो भी है मेरे पास। क्या खेल किया आपके साथ वो? पहले हमसे मारपीट किए, मेरे पति भी मुझे मारे उस टाइम। क्यों मारा वो? वो गला पकड़ के, वो उनका मारने का आश्रय था कि हम वो अपना ससुराल छोड़कर अपने घर चले जाए, किसी भी तरह हम अपना ससुराल छोड़ दें। हाँ बहुत ज्यादा मारा गया था, छोड़ दें। हाँ वो हमको घर से निकालना चाहते थे उस टाइम। हाथ उठाया वो? हाँ गला पकड़ के, मेरा माथा टकराए, सबको ही मिलकर मारा था, बाल पकड़ के घसीट के निकाला था उस टाइम। उसका मेडिकल रिपोर्ट भी है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सीटी स्कैन का रिपोर्ट है मेरे पास। मेरे पति भी हमको मारे उस टाइम, सब मिलकर ना मुझे किसी भी टाइप से सोचा ना खत्म कर दे या इसको घर से निकाल दे। फिर क्या किया आप? वहाँ से हम भागे एक बगल के घर में बचने के लिए, गेट खोलकर भागे बाहर निकले, अपने मेरा फ़ोन छीन लिया था, एक फ़ोन था मेरा वीवो का, वीवो Y21 फ़ोन था, उसमें शादी का वीडियो वीडियो था, उस टाइम शादी हुआ था, जितने भी फोटोज़ वगैरह सब कुछ थे एविडेंस, वो फ़ोन हमसे छीन लिया गया था। बताइए एक भैंसुर जो मतलब कि सही से भैंसुर का रिश्ता मतलब कि कैसा होता है वो पूरा दुनिया जानता है, और ऐसे में इस रिश्ते को शर्मसार ऐसे करता है, हाथ उठाता है, यहाँ तक कि घसीटता है, दीवार में मारता है, और भैंसुर का रिश्ता कैसे शर्मसार होता है, सूरज नाम का ये एटीएस है जो किस तरीके से शर्मसार करता है, आज वही पूरा खेल करके इनके रिश्ते को बिगाड़ चुका है, और अभी तक वो बचाने में लगा, वो भी बचे हुए हैं अभी तक, मेरे पति भी बचे हैं, उनका भी अरेस्ट नहीं हुआ। अपने इस मामले में उसका नाम दिया है? हाँ नाम दिया है कि मुझे मारपीट मेरे साथ किया था, तो वो नाम हटा दिया गया उनका। तो हम जैसे अच्छा, इस बीच में उन्होंने एक वीडियो बनाया है, वो आपके जो भैंसुर है किसी मीडिया कर्मी को दिया है, वो क्या बोल रहा था ऐसा? मेरा भैंसुर नहीं, किसी और से बुलवा रहे थे वो, किसी और से बुलवा रहे हैं कि जबरदस्ती शादी हुआ है, ये सब बोल रहे हैं, जबकि मेरा शादी जबरदस्ती नहीं हुआ है, आपको एविडेंस सारा दिखा दिए हैं, हम दोनों खुशी खुशी शादी किए थे एक दूसरे की मर्जी से, हम लोग का 4 साल से रिश्ता था तब शादी हुआ था। नंबर है क्या आपके भैंसुर का? हाँ मेरे पास है, वो बोलते मतलब ही नहीं लगा सकते हैं क्या? मेरा कॉल नहीं रिसीव करेंगे आप लोग, कॉल दीजिएगा। हाँ उसको जी, मैं न्यूज़ से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ ये बोल रहा था ना कि एक जो प्रकरण अभी है काजल का, तो उसमें जैसे कि काजल जो एक लड़की है उसको लेकर मतलब कि बातें आ रही है, कि क्या कुछ उस पूरे मामला में वो जानना चाह रहे हैं? मामला हमको जानकारी नहीं है कोई मामला। अच्छा आपको जानकारी नहीं है? नहीं एक्चुअली तो पूर्व से ही अलग रहते हैं। तो उनका मैरिज हुआ था मेरे छोटे भाई से, पता नहीं बागा पुलिस का ही है। तो वो अब वही बता पाएंगे ना। अच्छा अच्छा, तो नहीं इसमें जैसे कि हम वही जानना भी चाह रहे थे कि ना कि एक्चुअली में दोनों पक्ष का जो मामला है आखिर क्या है, किस तरीके का है, तो उसमें तो जानकारी। मैं तो ना तो मैं शादी में हूँ ना तो मैं किसी चीज में वो भागीदारी हूँ, तो फिर मेरे से मामला क्यों पूछा जा रहा?
नहीं एक्चुअली जैसे परिवार में जितने भी लोग हैं तो जैसे कि आप उनके भाई हैं तो आपसे भी हाँ? तो मतलब कि जानकारी होगी आपको? नहीं नहीं हमें जानकारी नहीं है, समझ में, हम पुरुष से ही अलग रहते थे। ठीक ना, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो काजल है, काजल ने कहा ना कि वही मतलब कि इन चीज़ों को फैमिली को तोड़े हैं, मतलब शादी की सारे चीज़ों को उन्होंने खराब किया है। अगर प्रमाण कर पाते हैं तो आप हमको बताइए कि अगर हम मतलब कि हैं शादी में कहीं फोटो वोटो या कहीं कुछ होगा ना। इन्होंने कहा कि वो उन्होंने मारा पीटा। मारा पीटा कौन आपको ये सब बोल दिया? मतलब जैसा कि हम जब इसकी पूरा इंक्वायरी किए तो मुझे पता चला कि इंक्वायरी तो अगल बगल का मोहल्ला एक पक्ष को सुनकर आप मतलब को नहीं ना निर्णय दे सकते हैं। इसलिए दोनों पक्षों की जानकारी जरूरी है भाई साहब। मैं जैसे कि उन्होंने कहा लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है तो उसमें तो जैसे कि आपका भी बयान इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आपने आपके ऊपर एलिगेशन लगा कि वो मारे पीटे और घर से भगाए, उन्होंने कहा कि इस घर में नहीं रह सकती हो, ये तमाम चीज़ें तो उसको लेकर मतलब कि मना करने वाले अभी रह रही है, पुर में भी रही है, अगर वो जैसे बताई तो हम क्यों, हम कब मना किए रहने के लिए या नहीं रहने के लिए? तो जैसे कि इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? मेरा कोई उसमें वो नहीं है, उनका और धनंजय कुमार का मामला है। वही समझ में वही ज्यादा अच्छा बता सकती है, धनंजय कुमार बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें हम क्या बता सकते हैं? अगर मेरे पे वो आरोप लगा रही है किसी प्रकार का तो आप मोहल्ले में जाके इस संदर्भ में जो है, अच्छा जिस मोहल्ले में रहती हैं वो, हाँ कौशल नगर, पता लिख लीजिए। हाँ हाँ मेरे को बताइएगा। कौशल नगर, हाँ कौशल नगर जी जी, ऑफ पोलो रोड, अच्छा क्वार्टर नंबर 27, पटना 8,01,000। अच्छा पटना 8,01,001 जी जी, और थाना है आपका हवाई अड्डा पड़ जाता है। आप वहाँ पे जाके अगल बगल किन्हीं से भी इस संदर्भ में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या हुआ था मैटर, ये क्या है क्या नहीं है, और जानकारी प्राप्त करके जो भी एक्चुअली आपके हिसाब से सर क्या लग रहा है इसमें, क्या मैटर आपको कुछ भी जानकारी होगी, क्या लग रहा है इसमें कहाँ तक क्या है? देखिए मेरे से संबंधित नहीं है मामला, खैर आगे अब वो जो कर रही है, और बांका पुलिस लाइन में शादी की थी, जो भी मतलब उनका मामला है तो विशेष वही बता सकते हैं, धनंजय कुमार बता सकता है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो आप देखिए जैसे कि आपके पिताजी हैं तो वो पिताजी नहीं है आपके? नहीं पिताजी नहीं है। तो माता जी है, वो भी तो बता सकती है इसमें, उस मामले में। माता जी को ब्रेन टीबी है, जब उनका शादी हुआ था काजल को, काजल शायद जैसा बताती है 31 तारीख को शायद शादी हुआ था, 31 जनवरी या मतलब जो भी डेट है उनका, ठीक ना, उस समय अगले दिन माँ का जो है ब्रेन स्ट्रोक कर गया था। माता जी IGIM से भर्ती थी, अगर बोलिएगा तो हम व्हाट्सएप हम कर देंगे वो जी आपका जी। क्या बोलते हैं उसका जो एविडेंस भर्ती का वो हम भेज देंगे आपको, वैसा बोलिएगा तो यही नंबर है आपका जी? मेरा यही नंबर है। ठीक है हम भेज तो जैसे कि इसमें, हाँ तो मतलब कि इसमें गार्जियन के रूप में आप ही, गार्जियन के रूप में तो आप ही के होंगे इसमें, जैसे कि शादी जब होती है, जब बांका पुलिस में शादी होती है बांका पुलिस के द्वारा, उसमें वहाँ पे, अच्छा आप वहाँ नहीं है तो उसके बाद आप इसमें, मेरा एक भी कहीं भी संदिग्ध बताइए कि हम यहाँ पे थे, लेकिन ये लड़की साहब कह रही है काजल जो है कि इनके इनमें पूरा इन्वॉल्वमेंट आपका है और वही सारा आप ही सारा खेल कर रहे हैं। भाई अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो मेरा या मेरे भाई से कॉन्टेक्ट होगा, बातचीत होगा, होगा ना, मेरा CDR एनालिसिस कर लिया जाए मोबाइल। हाँ बिल्कुल, मतलब एविडेंस होनी चाहिए इसमें, कर लीजिए कर लीजिए, उसे पता चल जाएगा ना कि मेरा उसे बातचीत है कि नहीं है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि ये मतलब जो मोलेस्टेशन की बात आती है, प्रताड़ना की बात आती है, तो इन्होंने हमारे भैंसुर ने मुझे किया। प्रताड़ना किस प्रकार का प्रताड़ना बताइए? प्रताड़ना मतलब कि घर में नहीं, घर से जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या जगह है, हम उनसे मिले कब है, हम उनके संग रहे कब है, कभी हम एक दिन भी साथ में रहे वहाँ क्या उनके संग में? जी जी, कभी भी मतलब साथ में या कौशल नगर में रहे ही नहीं है, उनके संग रहे ही, तो प्रताड़ना कहाँ से वोट आ जाता है? तो सर आपका यदि एविडेंस एविडेंस कैसे, हाँ हाँ यदि एविडेंस कुछ निकलता है तो आपका भी पास कोई एविडेंस ऐसा है तो भेजिए मेरे को व्हाट्सएप पे। मेरे पास एविडेंस, हम अगर दोषी तो आपने एविडेंस दीजिएगा सर। हाँ तो जैसे कि वो आरोप लगाई है ना, तो जैसे कि इसको क्लेरिफाई, आरोप लगाई तो आरोप के संग कुछ ना कुछ तो होगा ना कि ये गवाही में है या ये मारपीट मतलब की है, ये हमको देखा है, कुछ भी किसी भी प्रकार का तो होगा ना कुछ?
तो एविडेंस ये कह रही है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं ऐसा जो हम आपको दिखाइए, हमको प्रमाण दीजिए, हमको प्रमाणित कीजिए, हम आपको जो भी है उसके सदन में हम आपको मतलब कि जो भी मेरा मतलब कि एविडेंस होगा हम आपको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है सर, ये नंबर मेरा है, आप इस पे मेरे को संपर्क कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विभू कुमार झा हुआ। विभू कुमार झा? जी जी जी। कौन से न्यूज़ चैनल से हैं? ये मास इंडिया न्यूज़ से हैं। आप मेरे को बताइए जो भी व्हाट्सएप पे है ना सारा चीज़ें, एक्चुअली दोनों पक्ष से जानकारी लेना ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी क्या राय है, आपकी फैमिली में आपके माम मदर फादर जैसे फादर नहीं है, मदर ब्रेन से प्रॉब्लम में है, तो जो भी चीज़ें हैं। टीवी में थी माँ, एकदम भर्ती थी, हम वीडियो अभी आपको भेजेंगे, मरते मरते माँ बची हैं, समझिए अभी चल फिर फाड़ रही हैं सिर्फ माँ, ठीक ना, अभी सिर्फ चल फिर पाती हैं बस। तो जैसे कि वही है कि जैसे कि आपके भाई ने जो कदम उठाया तो उसमें आपका भी इसमें एक बाइट हो जाता है कि नहीं, आखिर आप भी गार्जियन के रूप में, इसलिए मैं आपसे बातें किया, हम आप बड़े भाई हैं इसलिए। नहीं नहीं, हम मांझिल भाई हुए। हाँ मांझिल भाई, हाँ मांझिल हुए, धनंजय से बड़े हुए लेकिन मांझिल हुए। हाँ हाँ, ठीक ना जी। वो 18 साल प्लस 21 साल प्लस वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। अगर कोई भी वो निर्णय लेता है तो उसमें उसकी मतलब होता है, मेरे वश में कोई हो सकता है क्या, आप बताइए। नहीं नहीं, वही मतलब ये कह रहे कि ये लड़का जो है मतलब उन्हीं के झांसे में आकर के, उन्हीं की बातों में आकर के उन्होंने सारा चीज कदम उठाया, उन्हें मतलब कि आप सारा चीज मैनिपुलेट किए, ब्रेन वॉश किए दिमाग। अच्छा अच्छा, तो आप प्रमाण होगा ना कि हम उनके शादी में रहे, दूसरा शादी में उनसे बातचीत किए हैं, या उनके माता पिता से बात किए हैं, या किसी प्रकार का कुछ होगा ना कि हाँ आप मतलब बातचीत उनके माता पिता से किए हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो एविडेंस है, ये तो जांच का विषय है और इसमें जो जांच में निकलता है वो सामने आता है, ये तो ये कह रही है, बस इनके पास एविडेंस रहेगा तभी कुछ होता है, बात ये है। ठीक है सर, आपने व्हाट्सएप में मेरे को संपर्क कीजिए और जो भी चीजें हम बात कर लें। जी जी जी, यही नंबर है। हाँ यही नंबर, ठीक है, ओके ओके ओके।